Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about retained placenta. So placenta वो होता है जिससे बेबी को complete nutrition, oxygen and जो भी उसे चाहिए वो जो भी supplements चाहिए वो किससे मिलते हैं placenta से. ठीक है. सो रिटेन प्लासेंटा का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. बेसिकली लेबर के 3 स्टेजेस होते हैं, वैसे तो 4 स्टेजेस होते हैं. सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड स्टेज में एक्सपल्शन हो जाता है बेबी का. थर्ड स्टेज में एक्सपल्शन होता है प्लासेंटा का. अब रिटेन प्लासेंटा है, प्लासेंटा अपनी जगह पर ही है, रिटेन है. इट मीन्स कि एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस आई है, दैट्स व्हाई प्लासेंटा अभी तक रिटेन है. तो उसे हम बोलते हैं रिटेन प्लासेंटा. एंड फोर्थ स्टेज होती है जब आफ्टर प्लासेंटल एक्सपल्शन, जब रिकवरी फेज चल रहा होता है, सारे जो वाइटल साइन होते हैं वो स्टेबलाइज हो रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, रिकवरी फेज. ओके, सो रिटेन प्लासेंटा की डेफिनेशन है. प्लासेंटा इज सैड इज रिटेन व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल आउट इवन आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी. अगर 30 मिनट्स के बाद भी प्लासेंटा रिटेन रहता है, मींस 3 ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं. मतलब एक नॉर्मल एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा में वो है सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा From spongy layer of decidua. From the spongy layer of decidua. जो uterine layer होती है जहां पर भी fertilization का process होने के बाद adherence हो जाती है किसकी, जिसको आप बोलते हो placenta, तो उसे हम बोलते हैं decidua. ठीक है, process है. फर्स्ट तो है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम स्पॉन्जी लेयर. सबसे पहले सेपरेशन होगा, उसके बाद डिसेंट हो जाएगा प्लेसेंटा का. डिसेंट मतलब कि लोअर डायरेक्शन में आना. ठीक है, डिसेंट ऑफ द प्लेसेंटा, डिसेंट डाउन होना मींस इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड वेजाइना, इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड वेजाइना. नेक्स्ट है एक्सपल्शन टू द आउटसाइड. ये 3 जो नॉर्मल मैंने आपको फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बताए हैं, अगर इन तीनों में कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है तो प्लासेंटा वहीं पर ही रिटेन हो जाएगा. ना ही वो सेपरेट होगा, देन ना ही डिसेंट डाउन हो पाएगा. एंड डिसेंट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, तो एक्सपल्शन भी नहीं हो पाएगा प्लासेंटा का. सो ये 3 बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है नॉर्मल प्लासेंटल एक्सपल्शन के. सो ये हम देख रहे हैं उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या क्या इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकती है, कौन से ऐसे रीजन बन सकते हैं. सो फर्स्ट है प्लासेंटा कंप्लीटली सेपरेटेड बट रिटेन्ड. प्लासेंटा कंप्लीटली सेपरेट हो गया है बट अभी भी एक्सपल्शन नहीं हो पाया है, वहीं पर यूट्राइन कैविटी में रिटेन है. ऐसी कौन सी सिचुएशन, किस कंडीशन में अराइज हो सकती है. देखिए, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की अगर हम बात करें, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, विमेन पहले तो वॉलंटरी एफर्ट्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर रही थी, वॉलंटरी एफर्ट्स लगा रही थी. आफ्टर दैट क्या हुआ, वुमेन को एग्जॉशन हुआ. एग्जॉशन होने के बाद उसके जो वॉलंटरी एफर्ट्स थे वो कैसे हो गए, पुअर एफर्ट्स हो गए. पुअर एफर्ट्स होने से क्या हुआ, लेबर का प्रोसेस प्रोलोंग हो गया, प्रोलोंग लेबर का प्रोसेस हुआ. अब क्या हो रहा है, वापस से जो एफर्ट्स हैं वो कंप्लीटली वुमेन नहीं लगा पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एफर्ट्स ना लगाने की वजह से ना तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है टाइमली, ना ही रिलैक्स हो पा रहा है. दैट्स वाई ये प्लासेंटा 30 मिनट्स के अंदर ही सेपरेट हो जाता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में, आफ्टर बर्थ एक्सपल्शन ऑफ द बेबी सेकेंड स्टेज जिसे हम बोल रहे हैं. तो प्लासेंटा सेपरेट तो हो गया बट वहीं पर ही रिटेन है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द पुअर एफर्ट्स, पुअर वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑफ द वुमेन. ओके, नेक्स्ट है यूट्राइन एटोनिसिटी. एटोनिसिटी का मतलब होता है, यहां पर ए का मतलब है एब्सेंस ऑफ टोन. ठीक है, एब्सेंस एंड टोनिसिटी मीन्स टोन. तो एब्सेंस ऑफ टोन मतलब यूट्राइस के अंदर कोई भी अभी टोन प्रेजेंट नहीं है. यूट्राइन
एटोन हो गया है, ठीक है, यूट्रस में एटोनिसिटी प्रेजेंट है, मतलब के यूट्रस जो है अभी रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है. यूट्रस क्या है? रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो पा रही है. अब ये कब होता है? ये होता है ग्रैंड मल्टीपैरा के केस में, ग्रैंड मल्टीपैरा के केस में ही ऐसा होता है कि यूट्रस अपनी टोन खो दे एंड यूट्रस यूट्राइन एटोनिसिटी की कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट हो. या फिर प्रोलॉन्ग लेबर के केस में ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया था, प्रोलॉन्ग लेबर के केस में भी ऐसा होता है, यूट्राइन एटोनिसिटी क्रिएट हो सकती है क्योंकि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा दिए गए होते हैं वुमेन के थ्रू एंड लेबर का प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो जाता है. सो यूट्राइन एटोनिसिटी यहाँ भी क्रिएट हो सकती है इन द केस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर. एंड लास्ट जो इंटरफेरेंस है वो है पार्शियल सेपरेशन ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग. कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग को हम आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन के बोलते से. इफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अर्गोमेट्रिन वुमेन को दे दिया गया है, अर्गोमेट्रिन दे दिया अगर वुमेन को फास्ट डिलीवरी कराने के लिए, बिकॉज हमें लग रहा था कि प्रोलॉन्ग लेबर का प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने अर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर कर दिया है. प्लासेंटा को सेपरेट होने में 30 मिनट्स लगते हैं आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, बट हमने पहले ही क्या किया, अर्गोमेट्रिन दे दिया. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को हमने इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं रहा, हमने उसे एक आर्टिफिशियल प्रोसेस बना दिया है अर्गोमेट्रिन देने से. तो हमारे थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट की गई हैं, वॉलेंटरीली कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट नहीं हुई है, तो उससे क्या होगा, सेपरेशन जो है वो पार्शियल हो जाएगा या तो आधा ही सेपरेशन होगा प्लासेंटा का, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी एंड प्लासेंटा जो है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सो अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे साइन जो कि हमें बताएंगे कि प्लासेंटा अभी तक रिटेन है एंड कुछ हम डेंजर्स भी देखेंगे. प्लासेंटा अगर रिटेन है तो उसके डेंजर्स क्या हो सकते हैं. सो फर्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज रिटेन्ड फॉलोइंग सेपरेशन और नॉट. सो हमें कुछ ऐसे फीचर्स भी दिखाई दे सकते हैं प्लासेंटल सेपरेशन के, डिपेंड करता है कि सेपरेशन के दौरान ही प्लासेंटा रिटेन्ड है या फिर नहीं है. ठीक है, आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैंने आपको बताया ही था, आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से प्लासेंटा जो है कम्प्लीटली एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, सेपरेट भी नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट है डेंजर्स प्लासेंटल रिटेंशन के. सो फर्स्ट है हैमरेज. हैमरेज होगी जब तक प्लासेंटा के प्लासेंटा जब तक एडहेयर रहता है डेसीडुआ में, कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता है. कुछ फ्रेगमेंट्स अभी प्लासेंटा के वहाँ हैं, इनकम्प्लीट सेपरेशन हुई है, उस केस में हैमरेज होती रहेगी. शोक में पेशेंट चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्लड लॉस हो रहा है. हैमरेज होने की वजह से ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होने की वजह से शोक अराइज हो जाएगा. प्यूरपुरियल सेप्सिस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ब्लड की पूलिंग हो जाएगी इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, जिसकी वजह से प्यूरपुरियल सेप्सिस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इट्स रीअकरेंस. अगर एक बार किसी को प्लासेंटल रिटेंशन हो जाती है तो उसके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये रिस्क रहता है कि प्लासेंटल रिटेंशन की रीअकरेंस हो जाए, दोबारा से ये कंडीशन अराइज हो सकती है. अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, अंडर जनरल एनेस्थीजिया, जनरल एनेस्थीजिया वुमेन को प्रोवाइड करेंगे एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा हम कर देंगे, एनेस्थीजिया. ओके, सो कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट ऑन कीजिएगा. सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग एनेस्थीजिया.